आज हम लोग देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम इस टॉपिक का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना, उसके बाद देखेंगे हम देवनागरी का नामकरण, देवनागरी लिपि का नामकरण किस प्रकार हुआ और उसे देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं, वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी मतलब देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, किस आधार पर हम कहते हैं कि यह लिपि वैज्ञानिक लिपि है और क्या यह विशेषताएं देवनागरी लिपि में पाई जाती हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। अब हम देखेंगे इसके बाद देवनागरी लिपि के गुण और दोष, उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान में देवनागरी की क्या स्थिति है, देवनागरी लिपि की सार्थकता, और इसके बाद देखेंगे निष्कर्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी जो भाषा है उसको जिस लिपि में व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। किसी भाषा को हम जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से किसी भाषा को हम लिखते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, उन चिन्हों को कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। तो हम देखेंगे देवनागरी और उसकी विशेषताएं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। परीक्षा में प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिपि का उद्भव और विकास मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। लिपि का सबसे बड़ा उपयोग तो यही है कि हम भाषा के उच्चरित रूप को लिपिबद्ध करके स्थायी बना सकते हैं। तो क्या है लिपि के सबसे ज्यादा महत्व लिपि का क्यों होता है, लिपि की उपयोगिता क्या है कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको हम लिख कर रख सकते हैं, स्थायी बना सकते हैं। आप लोग हिंदी, संस्कृत तथा मराठी भाषाओं से परिचित ही हैं। ये तीनों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी, तीनों की लिपि एक है और वह है देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राचीन लिपि है भारत की। आज हम लोग देवनागरी के लिपि के जिन जिन वर्ण चिन्हों से परिचित हैं और अपने लेखन में जिनका प्रयोग करते हैं, ये आरंभ में इसी रूप में नहीं थे। इनमें बराबर विकास होता रहा है और इसके स्वरूप में आदर्श रूप बनाने के लिए अनेक प्रकार के सुधार कार्य भी किए गए हैं। देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। तो वर्तमान समय में हम जिस देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं और जिस देवनागरी लिपि का भारत सरकार के द्वारा मानकीकरण भी किया गया है ना, देवनागरी लिपि और वर्तनी, हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो वास्तव में आज हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, शुरुआत में यह लिपि ऐसी नहीं थी, इसमें निरंतर परिवर्तन होता गया, सुधार किया जाता रहा और आज हमारे पास जो लिपि है वह उसका परिवर्धित रूप है, सुधरा हुआ रूप है। अब देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि अक्षर आधारित लिपि है, इसलिए इसे अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। देवनागरी लिपि क्या है, अक्षर पर आधारित लिपि है, इसीलिए इसे अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। अक्षरात्मक लिपि कहने का तात्पर्य है कि हिंदी में जैसे 52 वर्ण है, तो जैसे स्वर हैं आ ई उ या फिर व्यंजन है, सभी के अपने अपने चिन्ह हैं, है ना, सभी के अपने अपने अक्षर हैं, क ख ग घ ङ आ आ, इसीलिए इसको अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। मतलब जितनी भी ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं उनके लिए विशेष लिपि चिन्ह है, विशेष अक्षर है। देवनागरी लिपि का यह गुण उसे संसार की अन्य भाषाओं की लिपियों से अधिक वैज्ञानिक बना देता है। मतलब इसी कारण इसको देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक कहा जाता है कि हम जो भी उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब अनुच्छेद 343(1) में भारत के संविधान में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों के रूप में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार जो देवनागरी लिपि है इसे हम भारत के राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान सकते हैं। यह प्रशासनिक कार्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग हर्षवर्धन के समय से ही मिलने लगता है, परंतु तब से लेकर आज तक देवनागरी के वर्णों में अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं और इस लिपि को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में अनेक प्रयास किए गए हैं। तो शुरुआत में सम्राट हर्षवर्धन के समय में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, लेकिन देवनागरी के वर्णों में निरंतर परिवर्तन होता गया, अनेक प्रकार के बदलाव आए और इस संबंध में बहुत सारे प्रयास भी किए गए। आगे हम वैज्ञानिक या आदर्श लिपि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। इन विशेषताओं के आधार पर
यदि देवनागरी लिपि का मूल्यांकन किया जाए तो हम देखेंगे कि देवनागरी अन्य लिपियों विशेषकर अरबी तथा रोमन लिपि से अधिक वैज्ञानिक है। तो आगे हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है, किन मापदंडों के आधार पर किसी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है और क्या देवनागरी लिपि उन मापदंडों पर खरी उतरती है। तो इसका हम अरबी और रोमन जो लिपि हैं उनसे इसकी तुलना करके देखेंगे। यूं तो संसार में कोई भी वस्तु शत प्रतिशत आदर्श नहीं होती, देवनागरी लिपि के साथ भी यही बात है। इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं, दोष हैं, जिनको सुधारा गया है और आगे भी सुधारा जा सकता है तथा वर्तमान संदर्भ में भारत की सभी भाषाओं के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आज के इस तकनीकी युग में देवनागरी का उपयोग तार, टेलीप्रिंटर, टंकण मतलब टाइपिंग, मुद्रण, प्रिंटिंग, कंप्यूटर आदि सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं को यदि एक लिपि के माध्यम में व्यक्त किया जाए तो निश्चित ही देवनागरी लिपि इसके लिए सर्वथा उपयुक्त साबित हो सकती है। मतलब देवनागरी लिपि में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, पहले भी थी, लेकिन निरंतर इसमें सुधार का कार्य किया जा रहा है। तो वर्तमान संदर्भ में यदि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम देवनागरी लिपि में लिखना चाहें, व्यक्त करना चाहें, तो देवनागरी में लिखना संभव है। और देवनागरी लिपि मतलब कंप्यूटर फ्रेंडली भी है, तार में भी, टेलीप्रिंटर में, मुद्रण में, प्रिंटिंग में, सभी जगह हम देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और देवनागरी का नामकरण देखते हैं। देवनागरी लिपि का नामकरण देवनागरी क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ? भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसी से देवनागरी विकसित हुई है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है और इसी से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं शती के आसपास के शिलालेखों में मिलता है। पहले शिलालेख जो लिखे जाते थे पत्थरों पर, तो उनमें देवनागरी का प्रयोग मिलता है 8वीं शताब्दी के आसपास। 11वीं शती के आसपास के देवनागरी के जो रूप हमें मिलते हैं वह वर्तमान देवनागरी रूपों से काफी समानता है। 8वीं शताब्दी से चालू हो गया था लेकिन 11वीं शताब्दी के आते आते तक इसमें बहुत सुधार हो चुका था और आज हम जिस देवनागरी का प्रयोग करते हैं वह लगभग उसी प्रकार है जो 11वीं शताब्दी के समय में प्रयोग में लाया जा रहा था। और 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक नागरी लिपि में काफी सीमा तक एकरूपता चली आ रही है और 12वीं शताब्दी के बाद से आज तक हम जिस नागरी या देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो नागरी लिपि में काफी समानता मिलती है जो 12वीं शताब्दी से अभी तक चली आ रही है। आज हिंदी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है और इसी को ही नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो हिंदी को, संस्कृत को, मराठी को, नेपाली को, इन सबको लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं देवनागरी लिपि का, और देवनागरी लिपि को ही क्या कहा जाता है, नागरी लिपि भी कहा जाता है। पर प्रश्न यह है कि इस लिपि का नाम देवनागरी या नागरी कैसे पड़ा? देवनागरी के नामकरण को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, यहां हम उनकी चर्चा एक एक करके करेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से बताया है, अपने अपने हिसाब से, कि देवनागरी को देवनागरी अथवा नागरी क्यों कहा जाता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस लिपि का प्रयोग आरंभ में गुजरात के नागर ब्राह्मण ही किया करते थे, इसीलिए इसे नागरी लिपि कहा गया। बाद में चूंकि संस्कृत भाषा को इसी लिपि में लिखा गया अतः इसे देवनागरी कहा जाने लगा, क्योंकि संस्कृत का दूसरा नाम देव भाषा भी है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे वही केवल इस लिपि का प्रयोग करते थे अपने दैनिक जीवन में, इसलिए इसे नागरी लिपि कहा गया। लेकिन बाद में चूंकि संस्कृत को भी नागरी लिपि में लिखा जाने लगा तो यह, और चूंकि संस्कृत को हम कहते हैं देव भाषा, इसलिए संस्कृत को जिस लिपि में लिखते हैं उसे देवनागरी कहा गया, क्योंकि संस्कृत का दूसरा नाम देव भाषा भी है। अतः देव भाषा संस्कृत को जिस नागरी लिपि में लिपिबद्ध किया गया वही लिपि देवनागरी लिपि कही गई, यह पहला मत है। दूसरा, कुछ लोगों की यह मान्यता है कि इस लिपि का प्रचार नगरों में अधिक था अतः नगर की लिपि होने के कारण यह लिपि नागरी लिपि कही गई। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस लिपि का प्रयोग कहाँ किया जा रहा था, नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, और नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा गया। तीसरा, ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में कुछ लिपियों का उल्लेख मिलता है, इनमें एक लिपि नाग लिपि का भी नाम आता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि नागरी शब्द इसी नाग लिपि से विकसित हुआ है, परंतु डॉक्टर बॉर्नेट ने इस मत को अस्वीकार करते हुए कहा कि नाग और नागरी लिपियां दो अलग अलग लिपियां हैं, ये एक नहीं हो सकती। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में जिन लिपियों का उल्लेख है उसमें एक लिपि है नाग लिपि, और उसी नाग लिपि से नागरी का जन्म हुआ है, वहां से बनकर आई है।
लेकिन डॉक्टर बर्नेट नाम के जो विद्वान है वो इसको अस्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि नाग लिपि अलग है और नागरी लिपियां दोनों अलग अलग है। चौथा, एक अन्य विद्वान श्री आर श्याम शास्त्री की यह मान्यता है कि भारत में पहले देवताओं की मूर्तियों की पूजा न होकर उनके सांकेतिक चिन्हों के रूप में उपासना होती थी। यह सांस्कृतिक चिन्ह तरह तरह के त्रिकोण यंत्रों के बीच में अंकित किए जाते थे। इन यंत्रों को देवनगर कहा जाता था और उनके अंदर अंकित चिन्हों को देवनागर। इन देवनागर चिन्हों से ही देवनागरी शब्द का विकास हुआ। तो इनका मानना है कि प्राचीन समय में भगवान के क्या है, प्रतीक के रूप में ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, है ना, और कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन यंत्रों को कहा जाता देवनगर, और इस देवनगर नाम के जो यंत्र थे, जो प्रतीक चिन्ह थे भगवान के, उनके अंदर में जो चिन्ह अंकित किए जाते थे उसे कहा जाता था देवनागर। तो इन चिन्हों के आधार पर ही देवनागरी शब्द विकसित हुआ। पांचवा, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस लिपि का काशी में बहुत प्रचलन था। काशी को भगवान शिव की नगरी या देवनगर कहा जाता था। देवनगर में प्रचलित लिपि का नाम ही देवनागरी पड़ा। तो कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि काशी जिसे देवनगर कहा जा रहा था वहां पर इस लिपि का प्रचलन था, इसलिए इसको देवनागरी कहा जाता है। और कुछ विद्वान, कुछ लोगों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र को ही नगर कहा जाता था और स्वयं चंद्रगुप्त को लोग देव कहते थे। इन दोनों के संयोग से ही देवनागरी नाम विकसित हुआ। तो पाटलिपुत्र में इसका प्रयोग किया जाता था, इस पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देव कहा जाता था। यहां से इस लिपि का नामकरण हुआ देवनागरी। सातवां, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी अपनी मान्यता है कि मध्य युग में स्थापत्य कला की अनेक शैलियों में से एक शैली का नाम नागर शैली था। मतलब भवन बनाने की जो शैली थी, जो बिल्डिंग बनाने की जो शैली थी, मंदिर बनाने की जो शैली थी, उसे कहा जाता था नागर शैली मध्य युग में। इसी से इस शैली के अंतर्गत चौकोर आकृतियां बनाई जाती थी। इधर नागरी लिपि के अक्षरों में भी चौकोर आकृतियां होती थी। अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता कि वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी, यहां पर हम देखेंगे कि किन मापदंडों के आधार पर किसी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि कहते हैं और क्या देवनागरी इन मापदंडों पर खरी उतरती है कि नहीं, देखते हैं। तो इसके अलग अलग मापदंड होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि यह लिपि वैज्ञानिक लिपि है और यह लिपि वैज्ञानिक लिपि नहीं है। इसी का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। संसार में यदि अनेक भाषाएं हैं तो उनको लिखित रूप में व्यक्त करने वाली लिपियां भी अनेक हैं। उदाहरण के लिए हम संस्कृत, हिंदी, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन इटालियन स्पेनिश आदि अनेक यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अपनी अपनी भाषाओं और उनकी लिपियों को भली प्रकार से समझते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुलना करके यह पता लगाना चाहे कि इस संसार के समस्त लिपियों में से सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपियां कौन सी हैं, तो इस बात का निर्णय कैसे किया जाए, अर्थात वे कौन सी प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं जिसके आधार पर किसी लिपि को वैज्ञानिक ठहराया जा सकता है। तो संसार में अलग अलग भाषा भाषी लोग हैं और उन भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं, तो वे कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर हम कहेंगे कि यह लिपि अधिक वैज्ञानिक है और यह लिपि कम वैज्ञानिक है। तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक वैज्ञानिक लिपि में और क्या देवनागरी लिपि में यह विशेषताएं हैं। अतः अब हम पहले कुछ ऐसी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनके आधार पर आप संसार की किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता का परीक्षण कर सकते हैं। यदि यह सारी विशेषताएं पाई जाती हैं तभी हम कहेंगे कि यह लिपि वैज्ञानिक है। तो किसी वैज्ञानिक लिपि में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, मतलब जो साइंटिफिकली जिसका विकास हुआ है वैज्ञानिक तरीके से। तो वैज्ञानिक लिपि में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक ध्वनि के लिए एक वर्ण होना चाहिए। वैज्ञानिक या आदर्श लिपि उसी लिपि को कहा जाता है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह अथवा वर्ण की व्यवस्था हो। जैसे हम अ बोलते हैं, अ, अ के लिए एक लिपि चिन्ह है, क के लिए एक लिपि चिन्ह है, मतलब जितने भी ध्वनियां हैं क ख ग घ ङ हिंदी में जितनी भी ध्वनियां हैं सबके लिए एक अलग वर्ण है। जब किसी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह या वर्ण होते हैं तो अन्य भाषा भाषी को उसको सीखने में कठिनाई होती है। जैसे एक वर्ण के लिए कई प्रकार के अगर चिन्ह मिल गए, एक वर्ण को कई प्रकार के चिन्हों में व्यक्त करते हैं, तो अन्य भाषा भाषी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सीखें। तो हिंदी में क्या है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। जैसे उर्दू है, उर्दू को देखते हैं, उर्दू में अ ध्वनि को व्यक्त करने के लिए दो वर्ण है,
आपको व्यक्त कर दो प्रकार से लिखा जाता है, अलिफ तथा एन। जब आदमी शब्द लिखना होता है तब अलिफ से लिखा जाता है तथा औरत शब्द एन से लिखा जाता है। तो ये अरबी फारसी की बातें हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार स्वध्वनि को व्यक्त करने के लिए तीन वर्ण है, सीन, स्वाद तथा से। और सीखने वाले व्यक्ति को यह याद रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस वर्ण चिन्ह से लिखा जाएगा। तो अरबी में यह समस्या है, यह आपको याद रखना पड़ता है। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी में भी आपको ऐसे अनेक वर्ण मिलेंगे, जैसे कि क ध्वनि के लिए अनेक वर्ण मिलते हैं। क ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हम सी से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कैट में, यहाँ सी से क का उच्चारण हो रहा है। कभी के वर्ण से, जैसे काइट, तथा कभी क्यू वर्ण से, जैसे क्विक। मतलब ध्वनि तो एक ही है क, लेकिन उसको अलग अलग वर्ण से हम अलग अलग लिपि से अलग अलग वर्ण से व्यक्त कर रहे हैं, है ना, के से, सी से, क्यू से। तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी। देवनागरी में आमतौर पर एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक वर्णों का प्रचलन भी था, परंतु अब इनमें से एक को मानक मान लिया गया है। तो पहले क्या होता था, आ भी दो प्रकार से लिखा जाता था, झ भी दो प्रकार से लिखा जाता था, झा, ये जो झा है, तो पहले कुछ इस तरह का लिखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें अब मानकीकरण कर दिया गया है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, एक वर्ण को मानक मान लिया गया है हिंदी में। अब दूसरा है, एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे। पहले हमने देखा एक ध्वनि एक ही वर्ण, हर ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण हो। अब क्या है, एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे। जैसे हम अ लिखे हैं तो खाली अ पढ़े उसको, आ लिखे हैं तो आ ही पढ़े, क लिखे हैं तो क ही पढ़े। मतलब एक वर्ण के लिए एक ध्वनि एक उच्चारण। आदर्श लिपि की यह भी विशेषता होती है कि उसमें एक वर्ण से एक ध्वनि का उच्चारण किया जाता हो। अंग्रेजी तथा उर्दू में अनेक वर्ण ऐसे हैं जो एक से अधिक ध्वनियों का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए यू वर्ण की स्थिति देखिए, अंग्रेजी में इसका उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग स्वरों के लिए किया गया है। तो यू का प्रयोग जब हम अंग्रेजी में करते हैं तो बच्चों को सिखाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ पर ब्यूटी बट, तो यहाँ पर ऊ का उच्चारण क्या हो गया, आ। यहाँ पर पी यू टी पुट, तो यू का उच्चारण क्या हो गया, ऊ हो गया। यहाँ पर बी यू एस आई, यू का उच्चारण क्या हो गया, ई, बिजी। यहाँ पर आर यू डी, यू का उच्चारण क्या हो गया, ऊ, रूड। तो देख सकते हैं ऊ के लिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ऊ आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। परंतु हिंदी देवनागरी में जो लिखी जाती है में प्रायः सभी वर्ण अलग अलग ध्वनियों का बोध कराते हैं। जैसे राम, राम लिखेंगे, है ना, कमल, तो इसमें कन्फ्यूजन आदमी को नहीं होता है। तीसरा, मात्रा एवं वर्ण चिन्ह में भिन्नता हो, है ना, मात्रा अलग हो और वर्ण चिन्ह अलग अलग हो। देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अलग वर्ण है तथा उनकी मात्राओं के लिए अलग लिपि चिन्हों की व्यवस्था की गई है। जैसे आ है, आ लिखते हैं तो वर्ण तो आ हम लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे आ, है ना, अगर हम लिखते हैं आ तो हम ऐसा लिख देते हैं आ, और आ की मात्रा क्या हो जाती है, ये हो जाती है। आ शब्द लिखा तो ये हो गया वर्ण, ये आ क्या हो गया, वर्ण हो गया, और ये इसका क्या हो गया, मात्रा का चिन्ह हो गया। तो ये समझ सकते हैं। अतः जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना होता है तो उस स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। परंतु रोमन तथा फारसी लिपि में मात्राओं के लिए अलग से चिन्ह नहीं बनाए गए हैं, वहां स्वरों को अलग से व्यंजन के साथ लिखना पड़ता है। जैसे हिंदी में हमको अगर खाली वर्ण लिखना हो तो आ लिख दिए, मात्रा लगाना हो तो मात्रा चिन्ह लगा दिए, लेकिन दूसरी भाषाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है। रोमन तथा फारसी लिपि में यह व्यवस्था नहीं है। जैसे कि अंग्रेजी में अगर आपको पेन लिखना हो तो पी ई एन ऐसे लिखेंगे पेन, लेकिन हमको यदि पेन लिखना हो तो प हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया व्यंजन, और इसके ऊपर हमने लगा दिया मात्रा, ये पेन। तो पेन ऐसे लिखते हैं पेन ये। तो अंग्रेजी में क्या है, अलग से हमको लिखना पड़ता है उसको, ऐसे ऊपर मात्रा इस तरफ लगाने की व्यवस्था नहीं है। एक साथ ये हमारा पास जगह भी बचा लिया, इसके ऊपर में आ गया पेन, कैट, पुट आदि। अब लेखन और उच्चारण में भी एकरूपता होना चाहिए। तो हिंदी में हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे भगत लिखना है तो भगत, भ भी बोलेंगे, ग भी बोलेंगे, त भी बोलेंगे, भगत ही लिखेंगे। तो लेखन और उच्चारण में, और भगत कहीं लिखा हो तो भगत ही पढ़ेंगे। तो लेखन और उच्चारण में भी एकरूपता हो। तो देवनागरी में लिपि चिन्हों का उच्चारण पूर्व निर्धारित है, और व्यक्ति लिपि चिन्ह को देखकर ही वही उच्चारण करता है जिस उच्चारण को उसे लिखाया गया है। जैसे बच्चों को हम डिक्टेशन देते हैं, इमला बोलते हैं, तो जैसा हम बोलते हैं बच्चा वैसा ही लिखता है। लेकिन अंग्रेजी में आपको ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तो लिपि चिन्हों का उच्चारण अलग अलग शब्दों में भिन्न भिन्न हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को
उस शब्द का सही उच्चारण जानने के लिए या तो मातृभाषा भाषी की मदद लेनी पड़ती है अथवा कोश की। अब अंग्रेजी में बहुत सारी चीज साइलेंट होते हैं लेकिन लिखना पड़ता है हमको, जैसे साइकोलॉजी लिखना है तो पी साइलेंट है, नॉलेज लिखना है तो के साइलेंट है, तो हमको सीखना पड़ता है या फिर डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हिंदी में च ध्वनि के लिए प्रत्येक शब्द में उच्चारण वही रहेगा, जैसे चमचा, मचान, सच्चा, कांच, च का उच्चारण हमेशा च है। परंतु अंग्रेजी में यदि किसी ने यह सीखा है कि सी एच वर्ण का उच्चारण च ध्वनि के रूप में होता है, किसी बच्चे को हमने सिखा दिया कि जो सी एच होता है उसका मतलब होता है च, तो वह हमेशा सी एच का उच्चारण च के रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में सी एच च के रूप में बोला जाता है तो कभी क के रूप में बोला जाता है और कभी श के रूप में बोला जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे चेयर, तो यहां सी एच का अर्थ क्या निकला, च, यहां पर सी एच ए ओ एस, यहां पर हो गया क्यास, सी एच का यहां पर अर्थ का हो गया, और यहां पर सी एच यहां का अर्थ हो गया शा, शैंपेन। तो आप देख सकते हैं कि सी एच के लिए यहां पर च लिखा गया है, यहां पर सी एच के लिए च है, यहां पर सी एच के लिए क है, और यहां पर सी एच के लिए शा है, तो यह कंफ्यूजन पैदा करता है। अब इसके बाद क्या विशेषता होनी चाहिए वैज्ञानिक लिपि में, वह सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जो लिपि सरल और स्पष्ट हो वही अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। इस दृष्टि से देवनागरी अपने स्वरूप में सरल और स्पष्ट है। रोमन लिपि में एक तो लिखने वाले और पुस्तकों में छपने वाले रूप में भिन्नता है, और दूसरे उनमें भी छोटे स्माल तथा बड़े कैपिटल लेटर चिन्हों में लिपि चिन्हों में भी भिन्नता होती है। एक तो बोलने में भी हमको पता नहीं चलता, और लिखते अलग है और टाइप अलग होता है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन में आप टाइप करते हैं तो लिखने वाली शैली अलग हो जाती है और टाइप वाली अलग हो जाती है, हिंदी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी की वर्तनी में एक कठिनाई यह भी है कि कुछ वर्ण लिखे तो जाते हैं परंतु उनका उच्चारण मौन रहता है, साइलेंट रहता है, अर्थात उनका उच्चारण नहीं किया जाता। तो मैं बता चुका हूँ, जैसे साइकोलॉजी है, नॉलेज है, निमोनिया है, तो इसमें वर्ण लिखे तो जाते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट होते हैं। जैसे ये शब्द देखते हैं नाइफ, ये नाइफ के से चालू हो रहा है लेकिन के साइलेंट है। ये काम, सी एल एम काम, इसमें एल साइलेंट है, ये देख सकते हैं। बी ओ एम बी बॉम, इसमें बी साइलेंट है। और साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, इनका उच्चारण नहीं होता लेकिन हमको लिखना पड़ता है, परंतु देवनागरी में आपको इस प्रकार की जटिलता दिखाई नहीं देती। छठवां, व्यवस्थित, सारे वर्ण व्यवस्थित होने चाहिए। यह लिपि में जितने भी वर्ण, जितने भी चिन्ह हैं वे व्यवस्थित होने चाहिए। वही लिपि वैज्ञानिक कही जा सकती है जिसकी अपनी सुनिश्चित व्यवस्था है। देवनागरी पर यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यह लिपि उच्चारण को आधार बनाकर चलती है और उसके वर्ण चिन्हों में उसी के अनुसार एक व्यवस्था है। पहले स्वरों के लिए लिपि चिन्ह है, बाद में व्यंजनों के लिए। स्वरों में भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग वर्ण है। तो हिंदी में आप देखते हैं कि स्वरों की अलग व्यवस्था है, अ आ ए ओ ए ऐ ओ औ अ मह, और इसके बाद व्यंजन की अलग व्यवस्था है, क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ प प म य र ल व श ष स। तो व्यंजन के लिए अलग वर्ण है। व्यंजनों में उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर अब कैसे हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, अलग अलग वर्ग में उनका हमने बांट दिया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग की ध्वनियों के लिए वर्ण एक निश्चित क्रम से आते हैं। इसके बाद पुनः इनका वर्गीकरण किया गया, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण तथा नासिक के ध्वनियों के लिए प्रत्येक वर्ग में लिपि चिन्हों की व्यवस्था की गई है। बहुत सारा कैटेगराइजेशन है हिंदी में, जितनी ध्वनियां हैं उतने ही हमारे पास वर्ण है, परंतु रोमन या फारसी में आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। रोमन में तो पहला वर्ण यदि स्वर है अ, तो दूसरा व्यंजन है बी, ए बी सी डी ऐसा। इसी तरह से फारसी लिपि में पहला वर्ण स्वर है अलिफ, तो दूसरा वर्ण है व्यंजन बे। देवनागरी लिपि जैसी व्यवस्था आपको संसार की किसी लिपि में नहीं मिलेगी। सातवां, ध्वन्यात्मक हो, ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वोत्तम लिपि मानी गई है, क्योंकि ध्वन्यात्मक लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है उसी के अनुरूप लिखा जाता है। किसी भी भाषा में व्यंजन का अलग से उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ध्वन्यात्मक लिपि क्या होती है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं उसको, इसको बोलते हैं। और दुनिया में जितने भी लिपि हैं उनमें व्यंजन का उच्चारण क्या है, स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे क, प आदि व्यंजनों में व्यंजन क तथा प के अलावा आ स्वर भी विद्यमान रहता है। यह भी वैज्ञानिकता का एक तर्क है कि दुनिया में जितने भी व्यंजन है उनके साथ में स्वर लगा होना चाहिए। तो हिंदी में यह लगा हुआ है, क, क के साथ आ लगा हुआ है, क, क, प, तो इनके साथ आ स्वर विद्यमान है। देवनागरी लिपि ऐसी लिपि है जो उच्चारण की एक पूरी इकाई को आधार मानकर चलती है। यदि हम प में प आ एक साथ उच्चारित करते हैं
उसके लिए एक लिपि चिन्ह प हमारे यहां मौजूद है, मतलब प में दोनों शामिल है, प और अ। रोमन में तो आपको पीए प लिखना होगा, रोमन में आपको प लिखना है तो पीए लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप आधा लिखते हैं तो आधा हो जाएगा, खाली अगर पी लिखते हैं आप, अगर आप खाली पी लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा आधा प, और यदि पूरा पी लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा पी और ए, तब जाकर वो क्या बनेगा, प बनेगा। लेकिन हमारी हिंदी में वह पहले से ही शामिल है स्वर, इसमें अलग से आपको स्वर जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार वैज्ञानिक लिपि की उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यदि देवनागरी लिपि की तुलना अन्य भाषा की लिपियों से की जाए, विशेष रूप से रोमन तथा फारसी लिपि से, तो निसंकोच कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि निश्चित ही एक आदर्श एवं वैज्ञानिक लिपि है। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब देवनागरी लिपि के गुण दोष, कोई भी लिपि अपने आप में पूर्ण नहीं होती, कुछ न कुछ उसकी खासियत होती है, कुछ उसमें कमियां होती हैं, कुछ उसमें गुण होते हैं, कुछ उसमें दोष होते हैं। तो हम देखते हैं देवनागरी लिपि के गुण और दोष क्या क्या हैं। ऊपर उल्लिखित देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है, परंतु इन विशेषताओं के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं। आइए अब हम देवनागरी लिपि के कुछ प्रमुख गुणों एवं दोषों पर नजर डालें। आइए हम देखते हैं देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। देवनागरी लिपि एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि है, हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा, इसको याद रखना है, देवनागरी भारत की प्राचीनतम लिपि है और इसका विकास भारत में ही हुआ है। गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि कई भाषाओं का प्राचीन साहित्य देवनागरी में मिलता है। देवनागरी लिपि में गुजराती साहित्य भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, उर्दू के साहित्य भी मिलेंगे। संस्कृत भाषा का लेखन तो देवनागरी में होता ही था, हिंदी और हिंदी की विभिन्न बोलियों का लेखन कार्य देवनागरी में होता है, मराठी भाषा भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। इस दृष्टि से यह हमारे देश की यह मुख्य लिपि है। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरा गुण क्या है, भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ साथ देवनागरी को ही राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 एक में यह कहा गया है भारत के संविधान के कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, तो राजलिपि है। राजकार्य की, राजकाज का जो काम है प्रशासन की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि अक्षर आधारित लिपि है, हिंदी में प्रत्येक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। इस दृष्टि से व्यंजनों का उच्चारण जब हम अलग से करते हैं तो इसमें अ स्वर मिले रहने के कारण वह एक अक्षर के रूप में ही उच्चारित किया जाता है। केवल देवनागरी में यह व्यवस्था है कि यहाँ संपूर्ण अक्षर को व्यक्त करने वाले वर्ण चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर प लिखा है, अंग्रेजी में हमको प लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, पी ए, लेकिन इसमें ऑलरेडी स्वर शामिल है। स लिखना है तो हमको क्या लिखना है, ए से इंग्लिश में, तो इसमें ऑलरेडी शामिल है ये प धन अ प, मतलब अपने आप में यह कंप्लीट है प्रत्येक वर्ण। देवनागरी लिपि में यह व्यवस्था है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है, तथा जब दो व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखना हो तो हम, जैसे देवनागरी लिपि में क्या व्यवस्था है, जैसे हमने यहाँ पर प लिख दिया, प हमने प लिख दिया, यदि हमको इसको लगना आधा लिखना है तो यहाँ पर हलंत लगा देते हैं, है ना, जैसे रक्त लिखना है, रक्त, तो क्या करते हैं, र धन अ धन क, यहां धन त धन, इस टाइप से लिखते हैं। और खड़ी पाई, अब जब दो व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखना हो तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई हटा दी जाती है, तो खड़ी पाई हटा दी जाती है तो इससे क्या है, जैसे यहां पर देखा आपने रक्त में खड़ी पाई को हटा दिया गया, जैसे रक्त हम लिखते हैं र, खड़ी पाई वाले व्यंजन को कैसे हटा देते हैं संयुक्त में, देखिए जैसे हमने लिखा रक्त, इसमें तो नीचे वाले हिस्से को हटा दिया गया, कुल मिला के जो खड़ी पाई होती है इस लाइन को हटा दिया जाता है। जैसे तथ्य हमको लिखना है तथ्य, तो ये तथ्य, तो यहां जो खड़ी पाई था इसको हटा दिया गया। कुछ व्यंजनों में जैसे क फ में पूर्वार्ध अंश रखा जाता है, जैसे मैं रक्त बता रहा था तो आधा हिस्सा रखा जाता है, है ना, कुछ व्यंजन क फ में पूर्वार्ध अंश रखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं रक्त, तो इसका आधा हिस्सा को हमने रख लिया, नीचे वाला लाइन को हटा दिया। र व्यंजन में कैसे करते हैं, र प्लस व्यंजन की स्थिति में र बाद में वाले व्यंजन के ऊपर में आ जाता है, जैसे कर्म, ये र ऊपर आ गया कर्म, क धन अ धन आधा र धन म प्लस अ। इसी प्रकार व्यंजन प्लस र की स्थिति में यह नीचे लग जाता है, व्यंजन के व्यंजन के साथ यदि र आता है, जैसे क के साथ र आ जाता है, जैसे क धन र धन अ, तो ये क्या बन जाएगा, क्र, इस तरीके से।
जैसे ये बना है। इसके बाद ट धन रा धन ड धन रा के संयोग में यह इस रूप में आ जाता है, ट आधा ट प्लस रा प्लस आ रहेगा तो क्या हो जाता है ट्र, तो यह बन जाता है ट्र या फिर ड्र, इस टाइप से बन जाता है। और छठवा क्या है, देवनागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जिसमें विदेशी भाषाओं से आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए अपने वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर नए वर्ण विकसित किए गए हैं, जैसे क ख ग, इनके नीचे नुक्ता लगता है, जैसे यहाँ पे नुक्ता लगेगा। तो जो विदेशी भाषाओं से जो ध्वनियां आई हैं अरबी फारसी से या अंग्रेजी से, तो उनके साथ नए नए वर्ण भी विकसित किए गए हैं, जैसे क के नीचे नुक्ता लगा दिए डॉट, ख के नीचे नुक्ता लगा दिए, ग के नीचे नुक्ता लगा दिए, ज के नीचे नुक्ता लगा दिए, फ के नीचे नुक्ता लगा दिए। नुक्ता मतलब क्या होता है, जैसे ये चिन्ह को नुक्ता बोलते हैं, ये जो डॉट लगा नीचे में, ख ख के नीचे ये नुक्ता हो गया, क ख ग ग हो गया, तो ग के नीचे ये नुक्ता हो गया, है ना, क ख ग परिज्ञा। वैसे फ इसका उच्चारण भी अलग होता है, जैसे मतलब जिंदगी जिंदगी। अब वैसे ही जैसे ऑफिस वगैरह लिखते हैं अंग्रेजी से आगत ध्वनियां हैं ऑफिस, ए आदि, ए में भी ये लगा अर्धचंद्र ऑफिस। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें स्वरों के लिए अलग वर्ण है तथा उनकी मात्राओं के लिए अलग वर्णों की व्यवस्था है। जैसे मैं बता चुका हूं ये स्वर है अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अ मः, और इनके लिए मात्रा क्या है, ये है। अ के लिए तो कोई मात्रा नहीं होता, उसमें शामिल हो जाता है वर्ण वर्ण के साथ में, व्यंजन के साथ में। आ की मात्रा ये है, छोटे की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, और छोटे उ की मात्रा ये है, बड़े उ की मात्रा ये है, ए ऐ ओ औ अम आ। आपसे मेरी गुजारिश है कि इतने विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, और इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो अंत तक जरूर मेरे साथ बने रहें। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवनागरी लिपि पर इतना विस्तृत व्याख्यान आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से इस स्लाइड्स को बनाया हूं और प्रयास कर रहा हूं कि आप इसको भली भांति समझ पाए। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। इसमें मैंने सबसे ज्यादा मेहनत किया है, अभी तक मैं जितना भी वीडियोस बनाया हूं उसमें इसमें मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। यहां तक कि अनुस्वार और अनुनासिक के लिए भी देवनागरी में वर्णों की व्यवस्था है। देवनागरी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्ण चिन्ह उच्चारण स्थान के अनुसार निश्चित किए गए। तो बहुत बड़ी बहुत सारी चिन्ह है, अनुस्वार अनुनासिक जो होते हैं ये चिन्ह होते हैं, अर्धचंद्र चंद्रबिंदु ये है ना, अनुनासिक जो लगाते हैं आप ऐसे ऊपर। तो देवनागरी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्ण चिन्ह उच्चारण स्थान के अनुसार नियत किए गए, कंठाव्य तालव्य जो हम बोलते हैं, है ना, तो इसके आधार पर वर्ण चिन्ह स्थापित किए गए। अब देवनागरी लिपि के कुछ दोष हैं, इसकी जो खासियत भी है तो कुछ उसमें दोष भी हैं। दोष क्या क्या है, उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त विद्वानों ने देवनागरी लिपि के कुछ दोषों की ओर भी संकेत किया है। इन्हीं दोषों के कारण देवनागरी में बराबर सुधार लाने तथा उसे मानकीकृत करने के बराबर प्रयास भी किए गए हैं। यहाँ हम दोषों का उल्लेख करेंगे, इसलिए मानकीकरण का कार्य बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, सरकार बार बार प्रयास कर रही है, विद्वान लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कमी है, यह कहा गया कि देवनागरी के अनेक संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, छ त्र ज्ञ इस टाइप के जो होते हैं, संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं, इन लोग को बोलते हैं छ त्र और ज्ञ, ये सब। तो संयुक्त अक्षर संयुक्त वर्ण व्यंजन क्रम निर्धारण करने में असुविधा होती है, जैसे छ ज्ञ ह द्र द ध ट्र ड्र आदि, अर्थात इन संयुक्त वर्णों में कौन सा व्यंजन पहले आता है कौन सा बाद में, यह भ्रम पैदा करता है। जैसे ये द ध द और ध से मिलकर बना है तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, और जो ट्र है तो ये कैसे बना है, ट प्लस र प्लस आ, तो यहाँ हम ट को पहले लिखें कि र को पहले लिखें, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा व्यंजन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। स्वरों के मात्रा चिन्ह भी शिक्षार्थी के लिए भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि व्यंजन के चारों ओर बाएं दाएं नीचे ऊपर लगते हैं, है ना, चारों तरफ से लगते हैं हिंदी के जो मात्रा होते हैं। इनमें ह्रस्व ई की मात्रा तो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करने वाली है, जैसे इंद्रियां शब्द में सामान्य व्यक्ति तो यह समझता है कि ई की मात्रा द व्यंजन के साथ लगी हुई है, जबकि यह र के साथ लगती है। ये देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि द के साथ लगा हुआ है, लेकिन लगा किसके साथ है, र के साथ लगा हुआ है। इसका जैसे आप इसका वो करेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये मिलता है हमको, है ना, इंद्रियों का वर्ण विच्छेद इस तरह से होता है। तो ये आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बहुत लंबा हो जाएगा। देवनागरी वर्णों में कुछ वर्णों के दो दो चिन्ह मिलते हैं, हालांकि आप आजकल एक चिन्ह को मान्यता दे दी गई है,
क्योंकि पहले हम अभी हम आ ऐसे लिखते हैं, अब पहले हम कुछ इस तरह से लिखते थे आ को, वैसे झा को पहले हम क्या लिखते थे, अभी हम ऐसा लिखते हैं झा को, पहले कुछ इस तरह का लिखते थे। ये तो मैं स लिख दिया, एक्चुअल में झा लिखना चाह रहा था। तो अभी हम झा को कैसे लिखते हैं, झा झा झंडा, इसको हम लिखते हैं ऐसे झा। तो ये आप समझ सकते हैं झा को लिखने का भी कई तरह से, लेकिन आजकल एक को मान्यता दे दिया गया है। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो एक वर्ण ना होकर संयुक्त व्यंजन है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो एक वर्ण नहीं है बल्कि संयुक्त व्यंजन है, जैसे श, श को क्या लिखते हैं, क प्लस श, त्र अधा प्लस रत्र। अनुस्वार का चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, यह चिन्ह होता है अनुस्वार। मैं यहां पर उल्टा बता दिया था, अनुस्वार और अनुनासिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका चिन्ह है और ये इसका। तो अनुस्वार का चिन्ह जिस वर्ण पर रहता है उसके साथ उच्चरित ना होकर बाद में उच्चरित होता है। अनुस्वार का चिन्ह या डॉट जिसके ऊपर लगा रहता है उसके ऊपर उच्चारण होकर उसके बाद में उच्चरित होता है, जैसे नंदन, जैसे हम बोलते हैं नंदन, नन, तो न के बाद में उच्चरित हो रहा है नंदन, है ना, नंदन बाद में उच्चरित हो रहा है। इसी प्रकार उच्चारण के स्तर पर अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर होता है, तथा अनुनासिकता स्वरों का गुण है, अतः उसका चिन्ह चंद्र बिंदु स्वर के ऊपर लगाया जाता है ना, तो स्वर के ऊपर में लगाया जाता है। परंतु जिन स्वरों के ऊपर मात्रा लगती है उन स्वरों के ऊपर अनुनासिकता के लिए अनुस्वार का चिन्ह डॉट ही लगाया जाता है, जो शिक्षार्थियों के लिए एक भ्रम पैदा करता है। जैसे मैं, वास्तव में यहाँ जो मैं लगा हुआ है यहाँ पे ऐसा लगा होना चाहिए, ऐसे है यहाँ पे ऐसा लगा होना चाहिए, सी चादी। इसके बाद देवनागरी में कुछ वर्ण निरर्थक हैं, आज हिंदी में इन ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता, या अंगा री श, इस टाइप के कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका भी प्रयोग बहुत कम होता है, उच्चारण नहीं होता। हिंदी में आधा म और हा, आधा न और हा, आधा ल और हा, हर ध्वनिया क्रमशः म न ल र तथा र के महाप्राण रूप हैं जो न विकसित ध्वनिया है, परंतु इनके लिए देवनागरी में एक वर्ण चिन्ह विकसित नहीं किया गया है, अतः यह वर्ण भी भ्रम पैदा करते हैं। मानो ये आधा म प्लस ह, आधा न प्लस ह, आधा ल प्लस ह तथा आधा र प्लस ह के संयुक्त व्यंजन हो। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, तो नोट्स से देखकर आप इसको याद कर सकते हैं, जहां तक है मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। इसके बाद देवनागरी लिपि में देश की अन्य भाषाओं की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त लिपि चिन्ह नहीं है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि दूसरी जो भाषाएं हैं उनको भी देवनागरी के माध्यम से लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ हमारे पास पर्याप्त लिपि चिन्ह नहीं है। मराठी, कश्मीरी, सिंधी तथा द्रविड़ परिवार के अनेक ध्वनियों के लिए देवनागरी में लिपि चिन्ह नहीं है, अतः यदि देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्थापित करना है तो इसमें देश की सभी भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए वर्ण होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि देवनागरी लिपि हमारी राष्ट्रीय लिपि हो, सभी भाषाएं देवनागरी में ही लिखी जाए, तो इसके लिए सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए वर्ण चिन्ह बनाना पड़ेगा। दसवां, टंकण मतलब टाइपिंग और मुद्रण की दृष्टि से भी देवनागरी रोमन की तुलना में जटिल लिपि है। उसका कारण यह है कि देवनागरी में वर्णों तथा संयुक्त वर्णों की संख्या 400 से भी अधिक है, बहुत ज्यादा वर्ण और संयुक्त वर्ण है, अतः टंकण यंत्र टाइपिंग मशीन के निर्माण में जटिलता तो आती है। टंकण करते समय उतनी गति से टंकण नहीं किया जा सकता जितना कि रोमन लिपि में, रोमन लिपि में जैसे आप लिखेंगे तो बहुत ही स्मूथली जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में जब आप लिखते हैं तो आपको ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि ऊपर में शिरोरेखा खींचनी पड़ती है, ऊपर में ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं शिरोरेखा, है ना, जैसे आपको लिखना है राम तो ये शिरोरेखा खींचेंगे, पहले तो आप शिरोरेखा खींचेंगे फिर लिखेंगे राम, तो रोमन लिपि में जरूरत नहीं है, रोमन लिपि में आप फटाक से लिख देंगे राम ऐसे, है ना, देवनागरी या फिर ऐसे ऐसे लिख देंगे फटाक से, तो हालांकि यह कैपिटल लेटर चालू होगा। देवनागरी में वर्णों के ऊपर शिरोरेखा होने से तेजी से लिखना संभव नहीं हो पाता, जैसे आपको कमल लिखना तो पहले ऐसे लाइन खींचेंगे कमल, तो इसे तेजी से नहीं लिख पाते। अब भारत के संविधान में देवनागरी की क्या स्थिति है जरा देख लेते हैं, देवनागरी लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत की राजभाषा क्या हो यह प्रश्न उठने लगा, भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया। आज का जो मेरा एपिसोड है, या चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं संघ लोक सेवा के, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा की आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस पीएससी की, चाहे यूपीएससी की, चाहे यूजीसी नेट जीआरएफ की, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, देवनागरी से संबंधित अधिकतम चीजों को मैंने यहाँ पर समेट लिया है,
सिर्फ मैंने मानकीकरण को छोड़ दिया है कि वो अलग मसला है और उसके लिए एक अलग से सेपरेट पीरियड चाहिए। तो देवनागरी लिपि और वर्तनी के मानकीकरण को छोड़कर सभी चीजें इसमें आ चुकी हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि की क्या स्थिति है, लेकिन मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए, तभी आप जो मैं बताना चाहता हूँ वास्तव में उसको आप समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि मेरे पूरे व्याख्यान भले ही थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज मैं नहीं छोड़ता जिसके लिए आपको कुछ और पढ़ना या देखना पड़े, समझ सकते हैं। अनुच्छेद, तो यहां पर आकर आपकी तलाश खत्म हो जाती है, मेरा प्रयास यह रहता है। अनुच्छेद 343 एक में क्या व्यवस्था की गई है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंक प्रणाली का जन्म भारत में हुआ था, तो ये जो अंक है 0, 1, 2, 3 इनका प्रयोग हमको नहीं करना है, बल्कि भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप 0, 1, 2, 3 इनका प्रयोग करना है। लेकिन संविधान में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि देवनागरी के विकास तथा भारत की अन्य भाषाओं को भी देवनागरी में लिखे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संविधान में यह नहीं बोला गया है कि भाई अन्य भाषाओं को भी हम देवनागरी लिपि में लिखें या इसके लिए प्रयास किया जाए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का कर देवनागरी लिपि को मात्र हिंदी भाषा के लिए सीमित कर दिया गया है भारत के संविधान में। लिपि तो भाषाओं को लिखकर व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। यदि भारतीय संविधान में यह प्रावधान कर दिया जाता कि देश की अन्य भाषाओं को देवनागरी में लिखा जाए तो सारे देश में लेखन माध्यम में एकरूपता आ जाती और सभी भाषाएं परस्पर निकटता का अनुभव करती। यदि यह बोला जाता कि भाई दूसरी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाए और यह राष्ट्रीय लिपि है, तो विभिन्न भाषाओं के मध्य क्या हो जाता, निकटता आ जाती। और देवनागरी लिपि की सार्थकता क्या है वर्तमान समय में, क्या हमारी देवनागरी लिपि कितनी उपयोगी है, कितनी सार्थक है? तो आज देवनागरी लिपि की सार्थकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, परंतु यह एक ऐसी लिपि है जिसे भारत की सभी भाषाओं के लिए व्यवहार में लाया जा सकता है। आज इस लिपि की सार्थकता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इसका उपयोग तार, टेलीप्रिंटर, टंकड़ एवं आशुलिपि, टंकड़ मतलब टाइपिंग, आशुलिपि मतलब क्या होता है, स्टेनोटाइपिंग, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग तथा कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। देवनागरी लिपि का प्रयोग आज जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आइए देवनागरी के इन नूतन क्षेत्रों के प्रयोग में प्रयोग के जो आयाम खुल गए हैं उन पर ये एक नजर डालते हैं, मतलब किन किन क्षेत्रों में देवनागरी का प्रयोग किया जा रहा है। तार भेजने का प्रचलन हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। छोटे छोटे जो मैसेजेस भेजे जाते थे पहले, अब इसका प्रचलन बहुत कम है, परंतु उस समय केवल अंग्रेजी में ही तार भेजे जाते थे अंग्रेजों के समय में। संविधान में नागरी लिपि को राजलिपि का जब दर्जा मिला तो देवनागरी में भी तार भेजने की सुविधा उपलब्ध होने लगी। देवनागरी में तार भेजने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केवल हिंदी भाषी लोग ही तार भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी भाषा को बोलता हो, यदि वह अपनी भाषा के संदेश को देवनागरी में लिखकर तार भेजना चाहता है तो आज हमारे तार घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। देवनागरी में भेजे गए तार रोमन की तुलना में संक्षिप्त तो होते ही हैं, उनमें अर्थ लगाने में भी स्पष्टता होती है। तो देवनागरी में जो तार भेजते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और देवनागरी के माध्यम से हम तार भेज सकते हैं। इसके बाद टेली प्रिंटर भी एक मशीन है। पहले ये लोग सोचते थे कि देवनागरी में टेली प्रिंटर मशीन का विकास नहीं हो सकता, परंतु नागरी के टेली प्रिंटर्स का भी का विकास ही नहीं हुआ, बल्कि आज ये अपना कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं। टेली प्रिंटर भी एक मशीन है संदेश भेजने का। इसके बाद टंकड़ एवं आशुलिपि, टंकड़ मतलब होता है टाइपिंग, आशुलिपि मतलब होता है स्टेनो टाइपिंग। जिस समय देवनागरी को संविधान में स्वीकृति मिली उस समय शासकीय कामकाज के लिए यह संदेह व्यक्त किया गया था कि देवनागरी में टाइपराइटर मशीनें बनाना बहुत कठिन कार्य है, मतलब टाइपिंग मशीन नहीं बनाई जा सकती। यह भी कहा जाता था कि देवनागरी में वर्णों की संख्या बहुत अधिक है, अतः यदि टंकण मशीनें बनाई गई तो लोगों को सीखने में कठिनाई होगी। परंतु अब यह भ्रम भी दूर हो गया है और शायद ही ऐसा कोई कार्यालय हो जहां देवनागरी में टंकण की सुविधा उपलब्ध ना हो। टंकण मशीनों के साथ साथ आशुलिपिक भी आज कार्यालयों में काम कर रहे हैं। तो सरकारी कार्यालय में आप देखेंगे वहां पर कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं, देवनागरी लिपि में टाइप कर सकते हैं और यूनिकोड के माध्यम से तो टाइपिंग करना हिंदी में और भी बहुत सरल हो गया है। यूनिकोड पर मैं अलग से एपिसोड लेकर आऊंगा बाद में। अब मुद्रण क्या होता है, प्रिंट करना, किताब में प्रिंट करना या कोई भी चीज को प्रिंट करना। मुद्रण कला का विकास आरंभ हुआ था नागरी लिपि में, मुद्रण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। आगे चलकर नागरी में मुद्रण के टाइपों का निरंतर विकास होता गया और परिष्कार भी किया जाता रहा, उसमें सुधार भी होता गया। पत्रकारिता में विकास के साथ दैनिक समाचार पत्र भी हिंदी मराठी भाषाओं में निकलने लगे जो नागरी का प्रयोग करते हैं। आज नागरी लिपि में मुद्रण का कार्य उसी तेजी से किया जाता है जैसा कि रोमन लिपि में किया जाता है। देवनागरी के मुद्रण में आज आप सुंदर टाइप,
मुद्रण कलाओं और शैलियों में विविधता सभी का सुंदर समन्वय देख सकते हैं। तो देवनागरी के अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग करके हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं, मुद्रित कर सकते हैं। अब कंप्यूटर और देवनागरी, क्या कंप्यूटर में हम देवनागरी लिपि की सहायता से काम कर सकते हैं? आज का युग कंप्यूटर का युग है। विश्व के समस्त कार्य आज कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं। प्रारंभ में केवल रोमन लिपि में ही कंप्यूटर उपलब्ध थे, परंतु आज विश्व में सभी भाषाओं में कंप्यूटर उपलब्ध होने लगे। तो नागरी लिपि में कंप्यूटर कैसे पीछे रह सकते थे? आज ऐसे कंप्यूटर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जिनके पर्दे पर, मतलब स्क्रीन पर, आप देवनागरी के अक्षर बनावट देख सकते हैं। यूनिकोड की सहायता से हिंदी में टाइप करना बहुत ही आसान हो गया है। कंप्यूटर भी क्या है, देवनागरी लिपि को कंप्यूटर ने भी आत्मसात कर लिया है। इस प्रकार तकनीकी दृष्टि से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देवनागरी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में बढ़ा है, जिससे देवनागरी ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता एवं सार्थकता स्थापित की है। देवनागरी का अर्थ यह नहीं है कि वह केवल हिंदी भाषा की ही लिपि है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी में वह क्षमता विद्यमान है कि यह देश की सभी भाषाओं की लिपि बन सकती है। तो हम देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि में यह क्षमता है कि वह देश में जितनी भी भाषाएं उनको लिखने में आज सक्षम हो गई है, और चाहे तो हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहां आपने देखा, अब हम देखते हैं निष्कर्ष में भी बताना रहता है कि हमने ऊपर जो जो बातें कही उसका सार संक्षेप देना होता है, तो इसको आपको लिखना पड़ता है निष्कर्ष जरूर। देवनागरी लिपि का विकास भारत में ही भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसको याद रख लेना, परीक्षा में आता है जरूर। देवनागरी लिपि संसार के समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है, कारण बता चुके हैं। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसे भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ साथ राजलिपि बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि संविधान में लिखा है संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। यदि देश की अन्य भाषाओं को व्यक्त करने के लिए कोई सामान्य लिपि बनाई जाए तो वह केवल देवनागरी ही बन सकती है। देवनागरी ही वह लिपि है जिसमें देश की अन्य भाषाओं को भी लिखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में अन्य लिपियों की तुलना में जहां अनेक विशेषताएं हैं, वहां इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इसी कारण बराबर इसके वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन भी किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि नागरी लिपि के सुधार का इतिहास भी एक लंबा इतिहास है। उत्तर भारत की समस्त लिपियों का विकास भी प्राचीन नागरी से ही माना जाता है, अतः उनको तो आसानी से देवनागरी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उत्तर भारत में जितनी भी लिपियां प्रचलित हैं तो सब देवनागरी से ही उत्पन्न हुई हैं, तो उनको देवनागरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यद्यपि अधिकांश लोग देवनागरी का अर्थ यह लगा लेते हैं कि हिंदी भाषा की ही लिपि है। लोग सोचते हैं कि देवनागरी सिर्फ हिंदी भाषा की ही लिपि है और देवनागरी में लिखी हुई सामग्री को केवल हिंदी ही मान लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृत का संपूर्ण साहित्य देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है और हिंदी है, ये सभी देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखी जाती हैं। संस्कृत का पूरा साहित्य देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जहां तक आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रश्न है, देवनागरी ने सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया है और अपनी सार्थकता कायम की है। तकनीकी क्षेत्र में चाहे वह तार या टेलीप्रिंटर हो, मुद्रण और टंकर हो या कंप्यूटर का क्षेत्र हो, आज नागरी लिपि किसी भी क्षेत्र में संसार की किसी भी अन्य लिपि से पीछे नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि देवनागरी लिपि क्या है, उसके गुण दोष कौन से हैं, उसकी विशेषताएं कौन सी है। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना ना भूलें। धन्यवाद।